जहाँ जाके आए उस कार्यक्रम के बारे में, वहाँ सारा अंग्रेजी में था, हमको हिंदी में समझाइए थोड़ा। वहाँ पे सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको इस प्रैक्टिस में आके कैसे बेनिफिट मिला, कैसे उनको कैसे इफेक्ट किया, और सबने वैसे वैसे बताया। और जैसे फिर हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने उस पे कुछ डांस किए थे, पोएम बोली थी सबने, और अपनी डिटर्मिनेशन शेयर की थी कि हम लोग कैसे जो हमने बोला उसको हम लोग पक्का वो उसको पूरा करेंगे जो हमने बोला, अच्छा। ये था। उसके बाद में जो सीनियर्स थे उन्होंने एक प्ले किया था जिसपे उन्होंने बताया था कि कैसे आप अगर नेगेटिविटी यानी बुराई को अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना देके उसके अंदर भी अच्छा देखने लगोगे तो उसमें कैसे आपको उससे भी फायदा होगा, और ये था वो पूरा। ये धर्म है या ये क्या है? जहाँ हम गए थे वहाँ धार्मिक प्रवचन था या कोई संदेश था, वो क्या था? नहीं, उसमें सबको मैसेज दिए थे कि जब आपको कोई आपको आपके ऊपर अगर आपसे कोई कुछ गलत करता है, उसकी उसकी बुराई और नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, तो आप उसको कैसे हटा सकते हो, अच्छा अपने अंदर वापस कैसे यानी खुद को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। अच्छा अच्छा तो ऐसे था, अलग अलग मैसेजेस थे बहुत सारे। अच्छा तो आप किसी में निगेटिविटी है, मान लीजिए आ गई है, तो आप उसको कैसे हटाते हैं? उसके प्रयास में आप क्या करते हैं? पहले तो नेगेटिविटी है तो समझाने की कोशिश करोगे, फिर भी नहीं होगा तो आप उसको बताओ और ढंग से समझाओ और बताओ, और फिर वैसे करके ट्राई करो हटाने की। जैसे हम क्या है कि हम आपके कार्यक्रम में आए थे सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे यामिनी कालिया का एक कार्यक्रम है, हमारी मिट्ठू दीदी का, और हमको जाना है, तो हम वहाँ आए तो हमको इतना अच्छा लगा। इतने जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जूते जो हैं वो बड़े बेतरतीब से और जल्दी से लोग खोलते हैं, जूतों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, उबड़ खाबड़। तो वहाँ पर सबके जूते कतार से लाइन से लगे हुए थे, तो सबसे पहले तो हमें ये बात बहुत अच्छी अच्छी लगी। हम जैसे ही यहाँ एंटर हुए तो हमारा जो इस्तकबाल और हमारा जो स्वागत होता है वो हार्दिक हार्दिकता से हुआ। फिर हम बैठे, फिर जब सारा कार्यक्रम खत्म हुआ और हम वापस अपने स्थान पे, तो सब मुस्कुराते हुए लोग हमें मिले, तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ कितने सारे फूल हैं जो एक जगह खिले हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। तो और कुछ नहीं, तो ये तो हमें जो हम तो अंग्रेजी जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें अच्छी लगी। तो हमको मुझे ऐसा लगा कि कोई भी कैसा भी व्यक्ति होता है, चाहे उसको भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन संदेश बराबर जाता है हाँ, और वो हंसते हैं, तो वो ये पॉजिटिव टेक्सचर की सबसे बड़ी निशानी है कि आप कुछ भी हैं लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान है। बहुत अच्छा है। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू यामिनी कालिया जी। वेलकम।